हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन विद चेतना। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी फ़ोटो एडिट कैसे कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि मैं कौन सी ऐप यूज़ करती हूँ, कैसे फ़ोटो एडिट करती हूँ, कटआउट जो होते हैं लाइक मेरी कोई फ़ोटो है उसको अच्छे वाले बैकग्राउंड में सेट करके कैसे फ़ोटो एडिट करती हूँ। सो जिन लोगों को पता नहीं है या पता है उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने जा रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। सो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वीडियो एडिटिंग की बहुत सारी ऐप आती है लाइक स्नो, पिक्सआर्ट, लाइट रूम, स्नैपसीड, बहुत ही सारी ऐप्स आती हैं। बट जो बेसिक ऐप्स हैं जिसमें आपका सारा काम हो जाता है, लाइक लोग जो होते हैं वो लाइटनिंग के लिए या बैकग्राउंड को थोड़ा सा हटाने के लिए या बैकग्राउंड में कुछ रखा है उसको हटाने के लिए, सेम बैकग्राउंड में कुछ रखा है उसको हटाने के लिए कोई स्नैपसीड यूज़ करता है, फिर उसको बाद में लाइट रूम में एडिट करता है। सो बेसिकली क्या होता है, एडिटिंग के लिए 2 से 3 ऐप तो हमें चाहिए होती है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ऐप बताऊंगी जिसमें 2 ऐप में ही आपका सारा काम हो जाएगा, अप्रॉक्स सारा काम हो जाएगा। सो वो वीडियो आप सो ये टिप्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। सो जाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, दैट इज़ कैरेट सीड हाइड्रेटिंग लोशन, जो कि न्यूड का आता है। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप से आती है, एंड ये लोशन आता है और इसके साथ में कैरी बैग आता है ताकि आप कहीं ट्रैवल करो तो आप इजीली अपने इस लोशन को इसमें रख सको। और ये लोशन जो आता है पंप के साथ में आता है, सो कोई ज़्यादा अमाउंट पिक नहीं होगा, आपको जितना चाहिए उतना ही ले सकते हो। सो बेसिकली कैरेट सीड्स आर नेचुरल पावर हाउस ऑफ विटामिन ए, ई एंड अल्फा, बीटा, गामा एंड कैरेटीन्स एंड कैरेटनॉइड से मिलकर बना होता है, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी एंड स्मूथ बनाता है। एंड ये लोशन जो है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, प्लस ये आपकी यूवी रेस से एंड पॉल्यूशन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है, सो इसका टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। लाइक मैं आपको बताऊँगी, इस टाइप से आप इसको लगाओगे और ये इस टाइप से आप इसको रब करोगे, आप इसको लगाओगे इस टाइप से रब करोगे तो बहुत ही जल्दी ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। लाइक आप अपने हैंड पे, लेग्स पे, बॉडी में आप इसको इजीली लगा सकते हो, बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है एंड स्किन को बहुत ही एक अच्छी स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले सकते हो। एंड गाइज, ये नेचुरल कैरेट सीड से मिलकर बना है तो नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, एंड प्लस नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। प्लस ये इस बुकलेट के साथ में आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, सो ये किन किन चीज़ों से बना है, इसको कैसे यूज़ करना है और कितने टाइम बाद आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। सो 1 एंड 2 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड ये जो आता है सल्फेट फ्री आता है, पैराबिन फ्री आता है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किए हुए हैं और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। सो बिल्कुल सेफ़ है ये प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो एंड मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लाइक मैंने इसको लगाया तो मुझे अपनी हैंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं। ओपन करने के बाद ये बॉटल कुछ इस टाइप से दिखती है, ब्यूटीफुल सी ऑरेंज कलर की बॉटल है जो पंप के साथ में आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस टाइप से हैंड पे लेके इसको लगाना है, जैसे नॉर्मली हम कोई लोशन लगाते हैं उस टाइप से इसको पंप की हेल्प से लेना है एंड देन स्मूथली आपको रब करते हुए हैंड पे लगाना है। ये बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को एक शाइन प्रोवाइड करेगा एंड स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी फोटो एडिटिंग कर सकते हो। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कोई कटआउट लेने होते हैं, सपोज मैं इस बैकग्राउंड में बैठी हूँ, यहाँ पे मैंने कोई फोटो क्लिक किया है बट मेरे को ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको कटआउट बता देती हूँ। तो मैं अपनी फोटो को कटआउट करती हूँ पिक्सआर्ट के अंदर, आपको उसका वीडियो बता देती हूँ कि मैं कैसे कटआउट लेती हूँ। सो मैं कटआउट लेने के बाद जो बैकग्राउंड मुझे चाहिए होता है वो अपनी गैलरी में डालती हूँ, लाइक मैं प्रिंटरेस्ट से ले रही हूँ या कहीं से भी अगर बैकग्राउंड उठा रही हूँ तो वो बैकग्राउंड मेरी गैलरी में होना चाहिए। उस बैकग्राउंड के अंदर मैं अपना फोटो का कटआउट देती हूँ एंड उसके बाद में उसमें फिल्टर्स वगैरह लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कटआउट बता देती हूँ, सपोज ये पिक्चर है, इसका मुझे कटआउट लेना है। तो अब मैं ओपन करूँगी पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको एक प्लस आइकन दिखेगा नीचे की साइड में, वहाँ से आपको उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है गैलरी में से जिस पिक्चर का आपको कटआउट लेना है। तो ये पिक्चर जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये ऐड आ रहा है, दैट मीन्स मेरा पेड वर्जन नहीं है, मेरा फ्री पिक्सआर्ट वर्जन है। सो ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब डाउन में आपको कटआउट का ऑप्शन दिखेगा तो उसमें मैं पर्सन को सेलेक्ट करूँगी तो ऑटोमेटिक जो मेरा पिक्चर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। बट कहीं कहीं पर ना इसको जूम करूँगी मैं और कहीं कहीं पर कुछ रह जाता है,
तो वहाँ पे इरेज एंड ब्रश का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप क्लियरली कटआउट ले सकते हो. सपोज आप क्लियरली कटआउट नहीं लोगे तो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो विजिबल होंगे, तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी. इसलिए आपको क्लियर कटआउट लेना है. आप ब्रश एंड इरेजर का जो साइज़ है वो स्मॉल एंड बड़ा कर सकते हो. सो इस टाइप से आपको कटआउट लेना है. और जब आपका कटआउट कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है उस पिक्चर को सेव कर दोगे, और सेव करने के बाद वो जो है गैलरी में, सेव करने के बाद वो गैलरी में नहीं तो पिक्सआर्ट में सेव हो जाती है वो. सो सपोज़ ये मेरा कटआउट हो गया है, तो अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं उसमें नेक्स्ट में जाऊँगी और इस पिक्चर को जो है मैं सेव कर दूँगी. जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको फिर से ऐड दिखेगा, दैट मीन्स मेरा पेड वर्जन नहीं है. सो इस टाइप से मैंने इसको सेव कर दिया है. सेव करने के बाद अगेन पिक्सआर्ट में से अब मैं वो पिक्चर सेलेक्ट करूँगी जिस पर मुझे इस कटआउट को लगाना है, या फिर कोई बैकग्राउंड भी होगा गैलरी में उसको सेलेक्ट करूँगी जिस पर मुझे उस कटआउट को लगाना है. सपोज़ मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट करी, इसकी जगह आप कोई बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हो. अगर मुझे कहीं से क्रॉप करना होगा तो मैं जो टूल्स आते हैं नीचे पिक्सआर्ट में उनको यूज़ करके मैं इस पिक्चर को क्रॉप कर लूँगी, सपोज़ साइड में से कुछ विजिबल हो रहा होगा. तो इस टाइप से मैंने इसको क्रॉप कर लिया. अब यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन आता है, उसके अंदर मैंने जो कटआउट लिया था मैं उस इमेज को जो है सेलेक्ट करूँगी. ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली है, आप देख सकते हैं. तो इस टाइप से इसको स्मॉल और छोटा या बड़ा कर सकती हूँ, जूम इन जूम आउट कर सकती हूँ, आप देख सकते हो. सो जितना साइज मुझे चाहिए इस पिक्चर का मैं वो सेलेक्ट करूंगी और उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूंगी. अब ये तो मेरी एडिटिंग हो चुकी है. पिक्सआर्ट में भी आपको बहुत सारे फिल्टर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते, इसलिए मैं नॉर्मली कटआउट के लिए पिक्सआर्ट को यूज़ करती हूँ और यहाँ से मैं सेव कर लूंगी. और पेड वर्जन में बहुत अच्छे ऑप्शन आते हैं पिक्सआर्ट के अंदर, बट मेरा पेड वर्जन नहीं है इसलिए. एंड इसको सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि ये फोटो जो है जो मैंने एडिट करी है अभी, वो गैलरी में मैं आपको दिखाऊंगी तो किस टाइप से दिख रही है एडिट होने के बाद में, वो आपको पता चल जाएगा अभी. तो एडिट होने के बाद में फाइनल पिक्चर जो है वो इस टाइप से दिख रही है. तो बेसिकली ये तो कटआउट की बात हुई, ये आप कर सकते हो पिक्सआर्ट के अंदर. नाउ कमिंग टू द एडिटिंग ऐप, सो बेसिकली मैं अपनी जितनी भी अब तक की मेरी जितनी भी एडिटिंग है वो मैं स्नो ऐप या B612 में एडिट करती हूँ. बट स्नो ऐप मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा बिकॉज उसमें लिमिटेड फिल्टर्स हैं एंड लिमिटेड इफेक्ट्स हैं. सो अभी करंटली जितनी भी मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ वो सब B612 में कर रही हूँ. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप लगी, लाइक उसमें ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो, प्लस उसमें बहुत ही अच्छे फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स हैं. सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अब तक जितने भी फिल्टर्स एंड इफेक्ट यूज़ किए हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको ये वीडियो बता देती हूँ. अब मैं ओपन करूंगी B612, ये मैंने ओपन कर लिया. आप गैलरी में से सपोज मुझे कोई भी इमेज एडिट करनी है, सपोज जो अभी मैंने कटआउट लिया था वही इमेज मुझे एडिट करनी है, इसमें इफेक्ट्स या फिल्टर्स ऐड करने, तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स में जाते हैं. तो आपको बहुत ही सारे इफेक्ट दिखेंगे, आपको जो पसंद हो, लाइक आपकी कोई, ये तो मेरी एडिट करी हुई दो फोटो का कॉम्बो है. अगर आपको सिंगल फोटो में भी कोई इफेक्ट लगाने हैं या फिल्टर्स लगाने हैं तो B612 जो है बहुत ही सही ऑप्शन है. सो यहाँ पे अभी फिल्टर्स चूज़ करूँगी कि मेरे को कौन सा फिल्टर अच्छा लग रहा है. जब मैं कोई फिल्टर चूज़ करती हूँ, अगर मुझे उसका सपोज इफेक्ट या जो भी उसकी ब्राइटनेस है या शेडो है या हाइलाइट्स पसंद नहीं आ रहे तो मैं उसको कम या ज़्यादा करके अपनी फोटो को एडजस्ट कर सकती हूँ जिससे वो नेचुरल लगे, या फिर मुझे ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है, शेडो ज़्यादा करना है, जैसे भी मुझे पसंद है, या ब्लैक एंड व्हाइट में कोई फोटो पसंद है, तो उस टाइप से मैं जो है B612 के अंदर जो है फिल्टर्स एंड इफेक्ट लगा के अपनी फोटो को बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट कर सकती हूँ. मैं अभी फिलहाल एडिटिंग के लिए या इफेक्ट्स के लिए फिल्टर्स के लिए B612 यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है. अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको नेचुरल बैकग्राउंड चाहिए तो मैं पिंटरेस्ट से डाउनलोड करती हूँ. ये पिंटरेस्ट मैंने ओपन करा है. अब मेरे को सपोज स्काई का बैकग्राउंड चाहिए तो स्काई बैकग्राउंड लिखूंगी और यहाँ पे बहुत सारे स्काई के बैकग्राउंड आ जाएंगे. इतने सारे स्काई के बैकग्राउंड आ गए, जो मुझे पसंद है वो मैं डाउनलोड कर लूँगी, वो गैलरी में सेव हो जाता है, फिर आपको कटआउट लेना है, फिर आप उस पर जो है कटआउट लगा सकते हो. सो गाइज, फिल्टर्स, इफेक्ट एंड बैकग्राउंड कटआउट्स के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है. एंड गाइज, कोई भी ऐसी पिक्चर है जिसमें ब्राइटनेस सही नहीं आ रही है, टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है, या टेक्सचर या हाइलाइट्स शेडो सही नहीं आ रहा है, तो आप जो है वो पिक्सआर्ट एंड B612 में इजीली कर सकते हो. सो बेसिक बिगनर्स लोगों के लिए या जिनको नॉर्मल एडिटिंग चाहिए उसके लिए परफेक्ट ऐप है. वैसे तो बहुत सारी ऐप्स आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्नैपसीड, लाइटरूम वगैरह होती हैं, बट वो आपको थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी. लाइक वो जो नॉर्मल यूट्यूबर्स होते हैं थंबनेल क्रिएट करने के लिए या इंस्टाग्राम फोटोज़ के लिए जिनका प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो सब इन ऐप्स को यूज़ करते हैं. बट अगर आप चाहते हो कि बेसिक काम आपको हो जाए तो ये ऐप आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. अगर आप चाहते हो कि मैं सारे ऐप्स का भी वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगी, बट मुझे अपना सारा काम B612 में हो जाता है इसलिए मैं वो ही यूज करती हूँ. सो गाइज, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा. अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, दैट इज पैशन व्यू चेतना, एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज, बाय बाय.